अब ऐसे में ये जो ग्लोबल तनाव ईरान और इसराइल के बीच नया मसला पैदा कर रहा है, उसे कैसे पढ़ना चाहिए, इसके क्या लार्जर इम्पैक्ट रह सकते हैं ओवरऑल कमोडिटी मार्केट की इस बुल रन पर, हमारे साथ इसी पर और डिटेल में बात करने के लिए आज आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर महेश पाटिल है। महेश, इनफैक्ट 30 साल से ज़्यादा का अनुभव रखते हैं बाजार में, 3 लाख करोड़ से ज़्यादा का एसेट आजकल मैनेज करते हैं। महेश, गुड मॉर्निंग। क्लियरली भारतीय बाजारों में एक तरफ जहाँ पर एक बहुत तगड़ी रैली बनी हुई थी, एक कारण का इंतजार था या फिर लोग शायद बैठे हुए थे कि क्या वो वजह होगी करेक्शन की। अब ये ग्लोबल मार्केट में जो टर्मोइल फिर उभर कर आ रहा है, इसराइल और ईरान के बीच कल वो अटैक, हालांकि उसके आगे मामला बढ़ा नहीं है और टचवुड होपफुली वो वैसा ही रहेगा, ये कितना बड़ा रिस्क फैक्टर है ओवरऑल इक्विटीज की रैली के लिए? नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग। सो मार्केट में अभी पहले एक बार फरवरी मार्च में एक करेक्शन की संभावना थी और वहां से मार्केट अभी नया हाई पे आ गया है, तो अंडरलाइन टोन तो बुलिश ही है और इसके कारण कभी भी मार्केट में कुछ यानी नेगेटिव सेंटिमेंट आती है, नेगेटिव तो मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए रिएक्ट करते हैं और फिर वापस बाउंस, और ऐसे हमने ट्रेंड देखी अभी लास्ट कुछ सालों में। हालांकि यहाँ से अभी अगले नतीजे आएंगे कंपनीज के, फोर्थ क्वार्टर के नंबर्स आने चालू हुए हैं, तो हमें लग रहा है कि अभी लास्ट 2-3 साल में जो ग्रोथ देखी थी हमने कंपनीज की अर्निंग्स में जो ग्रोथ देखी थी वो अभी थोड़ी मॉडरेट हो जाएगी FY25 और 26 में। टॉप लाइन ग्रोथ भी थोड़ी वीक दिख रही है बिकॉज नॉमिनल GDP ग्रोथ स्लाइटली लोअर है बिकॉज इन्फ्लेशन इज हैज कम डाउन। सो हालांकि काफी सेक्टर्स वगैरह में आउटलुक अभी भी अच्छा है, डोमेस्टिक आउटलुक इज गुड, ग्लोबल रिस्क ऑफ थोड़ा दिख रहा है बिकॉज एक तो यूएस में जो अभी जो नई अभी जो मॉनेटरी पॉलिसी थी वहां से जो यूएस में रेट कट्स की संभावना थी अराउंड इनिशियली 3-4 रेट्स की संभावना थी, वो अभी लग रहा है कि खाली 2 रेट कट्स होंगे, तो इसलिए बॉन्ड यील्ड्स भी जो है यूएस के ट्रेजरी बॉन्ड वो भी ऊपर आए हैं। सो थोड़ी इसके कारण मार्केट में एक ग्लोबल मार्केट्स में भी एक करेक्शन, और इसके रिसेंटली जो भी जो तनाव हुआ है इसराइल और ईरान के बीच में वो एक कारण बना है मार्केट ग्लोबल मार्केट्स को करेक्ट करने के लिए। तो मुझे लग रहा है कि ये मार्केट की ओवरऑल जर्नी जो है ट्रेंड अभी भी ऊपर दिख रहा है मुझे हमें, और हालांकि अभी मार्केट की वैल्यूएशन और सेंटिमेंट्स काफी बुलिश है, तो इस मौके में कुछ अगर नेगेटिव अगर सेंटिमेंट होती है और कुछ नेगेटिविटी आती है तो वहां पे शॉर्ट टर्म करेक्शन की गुंजाइश है, उसके लिए मार्केट अभी करेक्शन फेज में है। हालांकि अगर तनाव बढ़ते हैं तो इंडिया में रिस्क फैक्टर तो एक तो ऑयल का है, ऑयल प्राइसेस अभी $90 के आसपास और उसके ऊपर जाने की अगर उस $100 के ऊपर ऑयल जाता है तो मार्केट में और करेक्शन होने की संभावना हो सकती है। तो 90 का तेल क्या हमें हमारी टेंशन बढ़ाएगा या फिर यहाँ से $10 और बढ़े तभी थोड़ा सा और स्ट्रेस भारतीय निवेशकों के लिए बढ़ता हुआ दिखाई देगा और इकोनॉमी पर वो फिर विपरीत असर डालेगा? 90 से हम थोड़ा सा सेटिस्फाइड है या फिर आदत हो गई है? आई थिंक वैसे तो इतनी ज्यादा चिंता की बात नहीं है बिकॉज हमारे ओवरऑल फॉरेक्स रिजर्व्स अभी रिकॉर्ड लेवल्स पे है, कंट्री का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी काफी कंट्रोल में है अराउंड 1.5% के आसपास, और हमारी जो सर्विसेज एक्सपोर्ट्स है वो काफी हद तक ऑयल इंपोर्ट्स को बैलेंस कर रही है। सर्विसेज इंपोर्ट्स में एक तो आईटी सर्विसेज है वहां पे थोड़ा है, बट बाकी अदर सर्विसेज है जो आउटसोर्सिंग की जो एक तेजी हुई है इंडिया में भी, बहुत सारे GCC जो ग्लोबल कॉम्पिटेंसी सेंटर्स बात करते हैं वो भी खुल रहे हैं, तो इसके कारण मैं नहीं लग रहा है कि ऑयल $1900 तक तो एटलीस्ट लग रहा है कि उसके ज्यादा कुछ मेजर रिएक्शन होगा, स्ट्रेस होगा, बट सेंटिमेंट वाइज थोड़ा उसका इंपैक्ट मार्केट के ऊपर आ सकता है। ओके महेश जी, इस वीकेंड पे एक और दो डेवलपमेंट हुई, उसमें BJP का घोषणा पत्र, रेलवे को लेकर काफी फोकस है उसमें, काफी आई थिंक उल्लेख किया गया है, आई होप आपने पढ़ा भी होगा उस पर उसको। अभी 2 PSU बास्केट्स रेलवे पे और आई थिंक OMCs पे, नहीं रेलवे नहीं, मैं इनफैक्ट रेलवे के साथ साथ यहाँ पे डिफेंस कंपनी का पहले जिक्र करना चाहूँगा।
आई थिंक ये जियोपॉलिटिकल टेंशंस आज एक बार फिर से HAL को ऑल टाइम हाई पे लेके आएंगी। आपका आपका व्यू इस वक्त रेलवेज पे और डिफेंस कंपनियों पे है क्या? डिफेंस तो ऑल टाइम हाई पे है, रेलवे में हमें मार्च में एक डिप मिला, क्या ये री एंट्री का अच्छा पॉइंट है रेलवेज में? ये गवर्नमेंट का अभी तक का लास्ट एक दो साल में रेलवे से सही बात की, रेलवेज और डिफेंस में काफी फोकस है यहाँ पे, कैसे डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ोतरी मिले उसके ऊपर फोकस रहा है, स्पेशली डिफेंस में जहाँ पे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग राइट जो सोर्सिंग कर रहे हैं वहां से कैसे उसका परसेंटेज जो अराउंड 75% है उसको ऊपर लेके आए, और उसके कारण देखा है कि हमने काफी कंपनीज की ऑर्डर बुक डिफेंस में बढ़ी है, हालांकि डिफेंस का बजट इतना ज्यादा नहीं बढ़ा है राइट, अराउंड 10-11% ही बढ़ा है, बट आई थिंक डिफेंस में एक और एक चीज उभर के आ रही है कि एक्सपोर्ट्स जो कंपनीज ने अभी R&D वगैरह में इन्वेस्टमेंट किया और काफी प्रोडक्ट्स नए प्रोडक्ट्स लेके आए हैं उनके लिए अभी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है, जैसे हमने बात की कि जियोपॉलिटिकल रिस्क ग्लोबली सब जगह पे बढ़ रही है और डिमांड फॉर डिफेंस इक्विपमेंट इज ग्रोइंग अप, सो डिफेंस में डोमेस्टिक के अलावा एक एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी भी आ रही है जो कुछ प्राइवेट कंपनीज जहाँ पे काफी लंबे अरसे से जहाँ पे अभी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको उनको बेनिफिट मिल सकता है, सो मैं लग रहा है कि ये सेक्टर में आउटलुक अच्छा रहेगा, हालांकि काफी स्टॉक्स डिफेंस के जो एक्सपेक्टेशन के आधार पर काफी तेजी से भाग गए थे लास्ट ईयर, तो वैल्यूएशंस वहां पे ऑलरेडी प्राइसिंग कर रही है, तो अगर कुछ एग्जीक्यूशन में कुछ चैलेंजेस आती है और वो हो सकती है, बिकॉज डिफेंस में काफी प्रोजेक्ट्स लॉन्ग साइकिल प्रोजेक्ट्स रहते हैं तो उसमें शॉर्ट टर्म में एग्जीक्यूशन तो वहां पे करेक्शन की संभावना, तभी आई थिंक वो करेक्शन में स्टॉक लेने चाहिए, बिकॉज यहाँ पे काफी हद तक जो पॉजिटिविटी है वो प्राइसिंग कर रही है हमें लग रहा है। अच्छा महेश सर, इस बार के क्वार्टरली अपडेट्स में और इनफैक्ट मेरे को याद है आई थिंक लास्ट फ्राइडे को मैं आशियाना हाउसिंग की मैनेजमेंट से बातचीत कर भी रहा था, बहुत स्ट्रॉन्ग कमेंट्री थी उनकी, आई मीन प्रीमियम कैटेगरी में जो फ्लैट्स हैं वो महज 2-3 दिन के अंतराल में पूरे के पूरे आई थिंक बाय आउट हो जाते हैं, आपका रियल स्टेट पे व्यू क्या है इस वक्त? आज भी ये इंडेक्स बहुत स्मार्ट रिकवरी दिखा रहा है लोअर लेवल से, इस प्राइस पे भी चेस करने का औचित्य है रियल स्टेट को? रियल एस्टेट भी ऐसा सेक्टर है जहाँ पे कोविड के बाद जो हमने तेजी देखी है उसमें तो वो अभी भी बरकरार है, उधर वहाँ पे कोई भी वीकनेस नहीं आ रहे, हालांकि कुछ सेक्टर में हमें थोड़ी अभी स्लो डाउन दिख रही है, तो रियल एस्टेट सेक्टर अगर देखा जाए तो काफी लंबे अरसे के बाद अभी वापस रिकवरी कर रहा है ऑलमोस्ट 7-8 साल के बाद, तो एक तरह से जो आप सिस्टम में एक तो जेन्युइन डिमांड है इंडिया में जैसे न्यू हाउसेस के लिए एट अ प्राइस पॉइंट लॉन्ग टर्म डिमांड अच्छी है, और सिस्टम में जो इन्वेंट्री थी काफी सालों तक वो काफी नीचे आ गई है, इसीलिए अभी नए जो घर बन रहे हैं उनके लिए डिमांड काफी अच्छी है, और प्राइसेस भी स्टेबल प्राइसेस भी ऊपर आ गए हैं, ओवरऑल इस सेक्टर में कि साइकिल अभी चालू हुआ है लास्ट 2 साल से, तो उसकी और कुछ सालों तक चलने की संभावना हमें दिख रही है, हालांकि इंटरेस्ट रेट्स मॉर्गेज रेट्स जो है वो अभी ऊपर है काफी, बट उसके बावजूद जेन्युइन बायर्स है वो मार्केट में अभी भी आ रहे हैं, तो हमें ये सेक्टर में हम लोग लास्ट 2 साल से पॉजिटिव हैं और अभी भी आउटलुक में अच्छा लग रहा है यहाँ पे, हालांकि जैसी बात की मैंने कि ये सेक्टर में भी काफी लास्ट ईयर रियल एस्टेट एक सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर था और काफी स्टॉक्स ऊपर आ गए, वैल्यूएशंस अगर हिस्टोरिकल एवरेज के हिसाब से करें अगर प्राइस टू NAV जिस तरह से उनकी मेजरमेंट होती है तो वहाँ पे काफी महंगे लग रहे हैं अभी, बट हालांकि यहाँ पे लॉन्ग टर्म आउटलुक अभी भी अच्छी लग रही है अगले 2-3 साल के लिए, तो आई मीन ये स्टॉक्स को होल्ड करना चाहिए मेरे हिसाब से, आउटलुक अभी भी पॉजिटिव है, कंपनीज की कैश फ्लोज काफी बढ़ गए, अभी जो बड़े रियल एस्टेट कंपनीज अभी काफी कंपनीज ने अभी एसेट लाइट मॉडल लिया है, सो इसलिए जो पहले के साइकिल में जो प्रॉब्लम देखा था हमने रियल एस्टेट सेक्टर में जहाँ पे काफी कंपनीज की जो डेट है वो काफी बढ़ गई थी, आई थिंक वो रिस्क अभी काफी कम लग रही है हमें। ओके, तो थोड़ा सा ये एक पॉकेट जहाँ पर बने रहने की सलाह। टेक्नोलॉजी पर मैं महेश जी आपकी राय लेना चाहूंगी, कंस्ट्रिंग TCS के नंबर्स आ चुके हैं और वहां पर प्रदर्शन अच्छा रहा है, इनफैक्ट मैनेजमेंट से जो बातचीत हुई उसका एक छोटा सा अंश आपको सुनाते हैं, फिर आप बताइएगा क्या कॉन्फिडेंस लौट रहा है या नहीं। FY24 एग्जिट कर रहे हैं Q4,
26% और वो जैसे आपने कहा 100 बेसिस पॉइंट्स का जो इम्प्रूवमेंट रहा है वो हेडविंड्स के बावजूद रहा है, हमें 90 बेसिस पॉइंट्स के हेडविंड्स रहे ऑन हायर थर्ड पार्टी एक्सपेंसेस और ट्रैवल कॉस्ट बढ़ के आया था, ये दोनों का नेट इम्पैक्ट 90 बेसिस पॉइंट्स था एंड वो ऑफसेट हुआ 190 बेसिस पॉइंट्स बेनिफिट्स प्राइमरली बॉटमिंग आउट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्टर कॉस्ट जो हम थर्ड पार्टी वेंडर्स यूज़ करते हैं फॉर शॉर्ट टर्म, वो काफ़ी नीचे आए हुए हैं, कम है एंड ऑल्सो प्रोडक्टिविटी एंड यूटिलाइजेशन गेंस से अगर हम देखें लास्ट 3 quarters हमने अप्रॉक्सीमेटली 100 बेसिस पॉइंट्स 110 70 100 बेसिस पॉइंट्स इन ईच ऑफ द क्वार्टर्स डिलीवर किए हैं। आई थिंक ओवरऑल वो परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है एंड हमारा फोकस डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन पे रहेगा एंड ऑपरेशनल रिगर का जो स्टेज हमने सेट किया हुआ है वो हम कंटिन्यू करना चाहेंगे। मुझे बहुत खुशी है कि हम लोग इंक्रीमेंट्स सामने लाइक हर साल की तरह इस बार भी अप्रैल में दे रहे हैं और इंक्रीमेंट कैसा है कि इट इज रेंजिंग फ्रॉम 4.5 to 7% फॉर मोस्ट पीपल दे विल बी इन दैट रेंज ओके एंड आवर टॉप परफॉर्मर्स विल बी इन डबल डिजिट ग्रोथ वी विल हैव डबल डिजिट हाइक्स। तो इंक्रीमेंट आ गया लेकिन साथ ही यहाँ पर जो उसका एक थोड़ा सा इम्पैक्ट मार्जिन्स पर अगले क्वार्टर में दिखाई देगा लेकिन मार्जिन्स इस क्वार्टर में 26% पर आए, TCV कंपनी की दमदार रही है और कंपनी खुद कहती है कि FY25 शायद एक बेहतर साल रहेगा। महेश, क्या बाकी IT कंपनियों से भी उम्मीद करें कि शायद बेहतर गाइडेंस और गाइडेंस में कुछ इम्प्रूवमेंट आए? IT सेक्टर में ये क्वार्टर थोड़ा वीक रहने की संभावना है, हमारी अपेक्षा है। TCS के नंबर्स वैसे ठीक थे कंपेयर्ड टू अदर बिकॉज वहाँ पे एक डोमेस्टिक लार्ज ऑर्डर भी था उनको, उसको बेनिफिट मिला है। बट अभी भी थोड़ी सेंटिमेंट IT सेक्टर में जो रिकवरी एक्सपेक्टेड थी वो थोड़ी जरा डीले दिख रही है बिकॉज US में अभी भी थोड़ी वीकनेस है और मुझे नहीं लगता है कि एक क्वार्टर के बाद FY25 के जो अर्निंग्स होंगे वहाँ पे कुछ अपग्रेड होने की संभावना है, वहाँ की शायद थोड़े डाउनग्रेड हो सकते हैं ये क्वार्टर के बाद। बट ओवरऑल देखा जाए तो ये सेक्टर में मीडियम टू लॉन्ग टर्म आउटलुक देखें तो हमारी एक्सपेक्टेशन है कि ये सेक्टर बाय एंड डिप्स रहेगा, ज़्यादा डाउनसाइड नहीं होगा बिकॉज काफ़ी नेगेटिव सेंटिमेंट ऑलरेडी प्राइस्ड इन है इसमें और लॉन्ग टर्म जो डिजिटल की तरफ जो स्पेंड्स होगी, टेक्नोलॉजी की तरफ जो स्पेंड्स होगी ग्लोबली इवन AI की वजह से वो स्पेंड्स बढ़ेंगी। शॉर्ट टर्म में ये साल में FY25 में बिकॉज US स्लोडाउन की वजह से डिस्क्रिशनरी स्पेंड में कटौती हुई है तो उसका इम्पैक्ट आएगा। तो ये क्वार्टर के नंबर्स हमें लग रहे हैं कि थोड़े टॉप लाइन की बेसिस पे वीक रहेंगे, हालांकि ऑपरेटिंग मार्जिन में काफ़ी कंपनीज जैसे TCS ने भी ऑपरेटिंग मार्जिन में काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट दिखाई है। तो आई थिंक मार्जिन लेवल पे कंपनीज कॉस्ट मैनेज कर सकती है, हालांकि जो कॉस्ट प्रेशर था एम्प्लॉय का वो काफ़ी हद तक अभी नरम है। अच्छा महेश जी, आखिरी प्रश्न यहाँ पे, आप लोगों ने जो पिछले 2-3 महीने में प्राइस एनालिसिस किया और जिस क्वांटम में लास्ट रिपोर्टेड अर्निंग्स के कंपैरिजन में प्राइस डैमेज हुआ, केमिकल्स पे कोई आप लोगों ने कॉल लिया है क्या यहाँ पर? तो केमिकल सेक्टर्स में लास्ट एक्चुअली एक ऐसा सेक्टर था जहाँ पे लास्ट ईयर काफी अंडर परफॉर्म स्टॉक चल, पूरी मार्केट रैली में एक स्टॉक्स चले नहीं थे और उसका कारण ये था कि कंपनीज में जो पहले एक्सपेक्टेशन जो बनी थी ग्रोथ की वो काफी स्लो थी बिकॉज इन्वेंट्री लेवल्स ग्लोबली एग्रोकेमिकल्स में और बाकी केमिकल्स में भी काफी बढ़ गई थी तो इन्वेंट्री रीस्टॉकिंग की एक साइकिल चल रही थी और चाइना में भी काफी प्रोडक्शन बढ़ गया तो इसके कारण सप्लाई काफी था। बट आई थिंक अभी वो इन्वेंट्री जो है जो ओवर इन्वेंट्री हो गई थी वो अभी करेक्शन काफी हद तक करेक्ट हो गई है तो हमें लग रहा है ये सेक्टर अभी एक कॉन्ट्रा सेक्टर रहेगा जो आगे जाके यहाँ से जैसे ग्रोथ इंप्रूव होगी तो कंपनीज को इसका बेनिफिट मिलेगा। काफी कंपनीज ने ये सेक्टर में कैपेसिटी भी बढ़ाई है, उनका बेनिफिट उनको मिला नहीं बिकॉज लास्ट ईयर ग्रोथ कम थी और आगे जाके वो बेनिफिट मिल सकते। तो ये सेक्टर यहाँ से मैं लग रहा है कि एक हाथ क्वार्टर और
रहेगा जहाँ पे थोड़ी वीकनेस में एक दो क्वार्टर, बट अच्छा रहेगा कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से, मीडियम टर्म के हिसाब से इस सेक्टर में यहाँ से भी देखना चाहिए। जो अच्छी कंपनीज है जो स्पेशलिटी केमिकल्स में, जहाँ पे मार्जिन की जो कमोडिटीज में है केमिकल्स, वहां से हम दूर रहेंगे, पर स्पेशलिटी केमिकल में जो है जहाँ पे R&D पे इन्वेस्ट कर रही है कंपनीज और जो अपनी मार्जिन आगे जाके प्रोटेक्ट कर सकती है, ऐसी कंपनी अभी देखने का अच्छा मौका हमें लग रहा है केमिकल सेक्टर में। बहुत बहुत शुक्रिया महेश जी हमारे लिए समय निकालकर अपनी राय देने के लिए। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।